गुजरात में बेहद गहमा गहमी और तीखे आरोप प्रत्यारोपों वाले प्रचार के अंत की घड़ी आ ही गई। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण में 14 दिसंबर को उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान किया जाएगा। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी जहां बीजेपी की चुनाव प्रचार कमान नरेंद्र मोदी ने संभाली, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले भी बोले। दूसरे चरण में जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेहसाणा सीट पर ताल ठोक रहे हैं। मेहसाणा सीट पर सबसे ज्यादा 34 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को अपने अपने वोटों में सेंध लगने का डर सता रहा है। अगर सबसे कम उम्मीदवारों की बात करें तो आदिवासी सुरक्षित सीट झालौद का नाम आता है। झालौद में महज 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा क्षेत्र दरियापुर है। दरियापुर महज 6 वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है, जबकि सबसे बड़े राधनपुर 2544 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से लीमखेड़ा सबसे छोटा और अहमदाबाद का घाटलोडिया सबसे बड़ा है। लीमखेड़ा में 1,87,245 मतदाता हैं, जबकि घाटलोडिया में 3,52,316 मतदाता हैं। दिग्गजों की बात करें तो दूसरे चरण के चुनावी मतदान में वोटर्स मेहसाणा से चुनाव लड़ रहे उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, धोलका में मंत्री भूपेंद्र चुडासमा, वाव में मंत्री शंकर चौधरी, राधनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे अल्पेश और वड़गाम से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवाणी की किस्मत लिखेंगे। दूसरे चरण में कुल 851 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 69 महिलाएं हैं। इस चरण में बीजेपी ने 93, कांग्रेस ने 91, एनसीपी ने 28, बीएसपी ने 75, आप ने 8, शिवसेना ने 17 और जेडीयू ने 14 उम्मीदवार उतारे हैं। 350 निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त दलों के 170 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, गांधीनगर।